बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो ए एंड बी, तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी, यानी ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हो ए बी एंड सी, तो उसमें हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी विल बी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसके एग्जांपल्स को। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, टू फाइव मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 4 7, और मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट है -2 1 -3 एंड 6। तो उसमें हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी हम यहाँ पर चेक करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी को। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिख लें 2 5 4 7 प्लस मैट्रिक्स बी -2 1 -3 6। तो इससे आंसर आता है 2 -2 5 1 4 7 और अच्छा 4 -3 7 6। तो इसे आंसर आता है 2 प्लस, अच्छा 2 जमा ज़र्बे मनफी, यहाँ पर आंसर आता है -5 प्लस 1 को ऐसे ही लिख लें। इसी तरह 4 -3 7 प्लस 6, इससे आंसर आता है 2 -2 कट, यानी यहाँ पर 0 6 1 और 13, यानी ए प्लस बी से आंसर आया 0 6 1 एंड 13। इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं बी प्लस ए को। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी लिख लें जिसके एलिमेंट्स हैं -2 1 -3 एंड 6 प्लस ए के एलिमेंट्स 2 5 4 एंड 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं -2 प्लस 2, इसके बाद 1 प्लस 5, -3 प्लस 4, इसके बाद 6 प्लस 7 विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 कट 0 1 प्लस 5 6 -3 प्लस 4 1 6 प्लस 7 13। तो बी प्लस ए से हमारे पास आंसर आया 0 6 1 और 13, और ए प्लस बी से भी यही आंसर था, यानी ए प्लस बी इक्वल हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये था एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी को। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 0 1
प्लस मैट्रिक्स बी है 2 0 0 2 प्लस मैट्रिक्स सी जिसके एलिमेंट है 0 1 1 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3। इसको हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स सी से जिसके एलिमेंट है 0 1 1 0। इसे हमारे पास आंसर आएगा 3 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। अच्छा सॉरी, 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 3 प्लस 0 3। तो a प्लस b प्लस c से हमारे पास आंसर आया 3 1 1 3। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड a प्लस b प्लस c को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए लिखते हैं जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1 प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स बी है 2 0 0 2 प्लस मैट्रिक्स सी है 0 1 1 0 विल बी इक्वल टू 1 0 0 1 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 0 2 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2। इसके बाद इसको हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स ए के साथ 1 प्लस 2 3 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3। हेंस प्रूव दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसको अगर हम देखें और इसको देखें, इन दोनों से सेम आंसर आता है। यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c।